सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमने हमारे सेकंड चैप्टर से क्या शुरुआत कर दी है। अब अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं तो क्या क्या चीजें हमने पढ़ी। हमने ये देखा कि हमारा जो भारत देश था वो ईयर 1947 में आजाद हुआ था। साथ ही साथ हमने ये चीज देखी कि कहीं ना कहीं जो गोवा था, दीव दमन था, वो पोर्चुगीज रूल से आजाद होकर अब इंडियन फेडरेशन का क्या बन गया था, हिस्सा बन गया था। इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हो गई थी ईयर 1962 में मकमोहन लाइन को लेके, मकमोहन लाइन पे। दोस्तों वहीं पे अगर मैं बात करूं, हमारे जो इंडिया के आर्किटेक्ट कहलाते हैं फॉरेन पॉलिसी के, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा। फिर लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में पढ़ा कि जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे। फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि इंडिया और ये पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई कश्मीर इश्यू को लेकर, सोवियत जो रशिया था उसने क्या किया, कहीं ना कहीं जो मैटर सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी हमारी अगली प्रधानमंत्री बनी। फिर उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स के बारे में हमने क्या चीजें देखी। अब राइट नाउ इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिकेड 1980s। अब 1980s में क्या क्या हुआ ये चीजों के बारे में हम बात करें। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 1980 वाला एक ऐसा डिकेड था जहां पर हमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल चैलेंजेस थे वो फेस करने पड़े। हम सभी जानते हैं कि जब हमारे भारत देश की क्या हुई, बंटवारा हुआ था, जहां पर पाकिस्तान एक नया कंट्री बना था और आपका इंडिया एक नया कंट्री बना था। पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री था जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो गया था, आपका एक वेस्ट पाकिस्तान में और एक ईस्ट पाकिस्तान में। और यहाँ पे हमारा क्या था, बीच में इंडिया था। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो वेस्ट पाकिस्तान की ऑपरेसिव पॉलिसी की वजह से जो आपका ईस्ट पाकिस्तान था वो एक नए कंट्री में तब्दील हो गया, जिसका नाम था बांग्लादेश। क्यों? कहीं ना कहीं इंडिया ने जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन दिखाया था उसमें, जहां पे ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये एक चीज थी। अब कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए चीजें थोड़ी सी यहाँ पे और अलग हुई। सिख जो थे पंजाब के, कहीं ना कहीं उन्होंने एक मांग उठाई कि हमें भी क्या पाकिस्तान जैसा एक अलग इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए हमारे खुद का, जिसका नाम है खालिस्तान। और कहीं ना कहीं जो हमारे देश के लिए जो सपोर्ट दिखा रहे थे खालिस्तान, इस देश के लिए जो सपोर्ट दिखा रहे थे, वो हमारे जो पाकिस्तान वाले भाई थे वो क्या कर रहे थे, वो इनको क्या सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। अब अच्छे तरीके से पूरे तरीके से कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, वो बात की बात है, ठीक है। अब इसी के दौरान ईयर 1984 में आपके जो टेररिस्ट थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो हमारे बोलते हैं ना सिखों का श्राइन है, होली श्राइन है वहां, यानी हमारा जो गोल्डन टेम्पल है उसमें क्या किया था, गोल्डन टेम्पल ऑफ अमृतसर है, उसमें जो टेररिस्ट थे उन्होंने क्या लिया था, शेल्टर ले लिया था। और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन सोल्जर्स को क्या हमें गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजना पड़ा, ताकि उन टेररिस्ट को क्या किया जा सके, बाहर क्या निकाला जा सके। अब जब ये सारे इवेंट चल रहे थे उसी दौरान पे आपका जो हमारे इंदिरा गांधी, यानी हमारे देश की सबसे पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री, उनको क्या किया गया, उनकी एक बॉडीगार्ड जिनका नाम क्या था, भीम सिंह, उन्होंने क्या कर दिया, असैसिनेट कर दिया। असैसिनेट करना मतलब क्या हो गया, उनका मर्डर कर दिया, उनको क्या मार दिया गया, ठीक है। वहीं पे आपके ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था क्या, उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ फ्रंटियर ऑफ असम, वो कहीं ना कहीं आपका एक अलग ही मूवमेंट चला रहे थे आपके नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में हमारे भारत देश के। अब यहाँ पे अगर बात करूं तो इंदिरा गांधी के बाद जो उनके सुपुत्र थे, अब इंदिरा गांधी के दो बेटे थे, एक का नाम संजय गांधी था और एक का नाम राजीव गांधी था। अब यहाँ पे उनके जो बड़े बेटे थे जिनका नाम राजीव गांधी था, वो क्या बने हमारे देश के अगले प्रधानमंत्री, यानी 1984 में उन्हें क्या प्रधानमंत्री इस पद से क्या नवाजा गया हमारे भारत सरकार द्वारा। अब देखो यहाँ पे चीजें मैं बता दूं, सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, फिर उसके बाद कौन बने, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी बने, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी जी बनी, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे मोरारजी देसाई बने, फिर चरण सिंह बने, फिर वापस से हमारे जो इंदिरा गांधी बनी, आप उनके जो सुपुत्र थे यानी इनका नाम राजीव गांधी, ये क्या बने, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अब जब ये देश के हमारे प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया, जैसा इनका जो पूरा परिवार कर रहा था कि इन्होंने कि अपने इंडियन इकोनॉमी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत सारे क्या चेंजेस, बहुत सारे बदलाव लाने की इन्होंने कोशिश की, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने क्या किया, एक जो आपका श्रीलंका में जाकर एक जो तमिल माइनॉरिटी को लेकर जो प्रॉब्लम्स थी उसको सॉर्ट आउट करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं इनका जो इनिशिएटिव था वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी फिर एक बार हारी, आपकी ईयर 1989 में जब इलेक्शन हुए, ठीक है, तो वहां पे कांग्रेस पार्टी जो एक हम कहते हैं ना एक जो सीट थी, एक जो बेंचमार्क था, वो पूरा नहीं कर पाया और वो वोटों से हार गए। वहीं पर जनता दल जो पार्टी थी वो जीत गई, किसके लीडरशिप के अंदर, विश्वनाथ प्रताप सिंह के लीडरशिप के अंदर क्या जीत गए। अब हमारे जो विश्वनाथ प्रताप सिंह है, इनका जो कंट्रीब्यूशन था ओबीसी को लेकर, ओबीसी यानी क्या हो गया, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये कब का कास्ट है, जहां पर इन्होंने एक रिजर्वेशन क्या पॉलिसी लाई आपके ओबीसी कास्ट वाले लोगों के लिए भी, ठीक है। और ये क्या माना जाता है, ये इनका एक बहुत ही मेजर क्या कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है,
लेकिन कहीं ना कहीं दुख की बात है कि इतना मेजर कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी वो ज्यादा दिन तक चल नहीं पाई क्योंकि इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से, क्योंकि ये जो सरकार फॉर्म हुई थी वो बेसिकली आपके कोलिएशन से फॉर्म हुई थी, जहां पे अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज आई थी उन्होंने क्या किया, अपने वोट्स मिला दिए थे, यानी कोलिएशन कर दिया था, यानी गठबंधन कर दिया था, फिर जाके जो जनता दल ये पार्टी थी ये फॉर्म हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से इलेक्शन आपके जो चंद्रशेखर जी थे वो क्या बने, आपके प्रधानमंत्री बने। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं चंद्रशेखर जी की जो गवर्नमेंट थी वो क्या ज्यादा दिन तक चल नहीं पाए और कहीं ना कहीं इनकी भी जो गवर्नमेंट है वो क्या गिर गई। और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता देना चाहता हूं कि जैसे जैसे दिन चलता गया चीजें बदलती गई वहां पे आपका क्या हो गया कि प्रॉब्लम्स क्या चालू हो गए, जम्मू और कश्मीर में एक जो अनरेस्ट था यानी हड़कंप मचने लगे, जहां पे हड़कंप इस तरह से मची, जो टेररिज्म था इस तरह से मचा कि जो हमारे पंडित थे कौन कश्मीरी पंडित थे उनको क्या हुआ, कश्मीरी वाली जो है छोड़कर क्या भागना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो मेरे ख्याल से आपको इतनी चीजें क्लियर आउट हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, द चेंजेस आफ्टर 1991। और मैं आपकी जानकारी के लिए भी बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि इसी दौरान पे जो श्रीलंका में एक जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम क्या LTTE था, श्रीलंका लिबरेशन तेलगम था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारे जो राजीव गांधी जी थे उनका क्या एसोनेट किया, यानी उनको क्या कर दिया, उनको शॉट कर दिया और उनकी वहां पे क्या हत्या कर दी गई। और ये जो सारी चीज था जब आपके इलेक्शंस हो रहे थे, इलेक्शन की कैंपेन चल रहे थे, उसी दौरान क्या जो LTTE ये आपकी एक श्रीलंका की एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने ये जो काम था वो किया। और चेंजेस आफ्टर ईयर 1991, अब यहाँ पे क्या बहुत सारे चेंजेस हुए। अभी जो 1991 का जो ईयर था सिर्फ इंडिया के लिए खास नहीं था, लेकिन अगर मैं बात करूं पूरे विश्व यानी पूरी दुनिया के पन्नों के, इतिहास के पन्नों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट यह माना जाता है। अब चीजें क्या हुई थी, जो सोवियत रशिया एक बहुत ही बड़ा देश माना जाता था वो डिसइंटीग्रेट हो गया था। डिसइंटीग्रेट मतलब क्या हो गया था, अब ये क्या छोटी छोटी कंट्रीज में क्या हो गया था, बढ़ गया था। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो कोल्ड वॉर था वो क्या खत्म हो गया था। अब हम सभी से जानते हैं कि आपके यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के बीच में क्या चल रहा था, कई सालों से कोल्ड वॉर चल रहा था। अब कहीं ना कहीं एक समय आ गया था जहां पर जो कोल्ड वॉर था वो समाप्त हो गया था। अब उसी दौरान मैं अगर बात करूं तो हमारे देश की जो अगर मैं कमान बात करूं तो जो लगाम थी वो आपके पीवी नरसिम्हा राव के हाथों में थी और ये हमारे देश के क्या प्रधानमंत्री थे। अब उसी दौरान जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे वो कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो हमारे प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अब इन दोनों के नेतृत्व में क्या किया गया, हमारी जो इंडिया में एक नई इकोनॉमिक रिफॉर्म लाई गई जहां पे आपके LPG जो पॉलिसी है वो क्या इंप्लीमेंट की गई। अब LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, अब ये जो LPG पॉलिसी आई इससे पहले क्या हुआ करता था, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बंदा हूं, मैं एक बिजनेस खोलना चाहता हूं, तो मुझे फाइलिंग का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था, मुझे गवर्नमेंट को बहुत सारे जवाब देने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन जब LPG आया तो मैं बहुत ज्यादा फ्री हो गया, मैं बिजनेस खोल सकता हूं। आज की डेट में बिजनेस खोलना बहुत बड़ी बात, ठीक है, आपको कुछ बहुत ही बोलता ना माइनर डॉक्यूमेंटेशन करना रहता, आपने कर लिया तो भैया आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। प्राइवेटाइजेशन, अब तक क्या था, गवर्नमेंट के बहुत सारे जो सेक्टर्स है वो गवर्नमेंट के हाथों में थे, वो प्राइवेटाइज नहीं थे। लेकिन आज आप देखोगे कि बहुत सारे सेक्टर जो है प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं, सिर्फ दो सेक्टर्स को छोड़ के, एक आपका रेलवे वाला सेक्टर और दूसरा जो आपका सेक्टर था वो कौन सा, एटॉमिक एनर्जी वाला सेक्टर, ये दोनों को छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या क्या कर दी गई, प्राइवेटाइज कर दी। हालांकि अगर मैं बात करूं रेलवे भी आज कुछ हद तक जो प्राइवेटाइज होने लगा है। ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया कि आप अब जो दो कंट्रीज है वो क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई कंट्री इंडिया में अगर ट्रेड करना चाहता है तो कर सकता है, या फिर इंडिया कि अगर कोई बिजनेसमैन अगर दूसरी कंट्री में ट्रेड करना चाहता है तो कर सकता है। ये ग्लोबलाइजेशन का हमें क्या हुआ, फायदा हुआ दोस्तों। अब यहाँ पे इलेक्शंस हुए आपके बिटवीन 1996 से लेकर 1999 तक, जहां पे कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसको आपके जो हाउसेस थे आपके एक सेंट्रल लेवल पे हाउसेस यानी लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन मैं यहाँ पे बात लोकसभा की कर रहा हूँ, तो लोकसभा में किसी भी पार्टी को जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं बनी। और एक समय ऐसा भी आया जहां पे हमारे भारत देश के तीन प्रधानमंत्री क्या थे, जिनका नाम क्या, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हमारे इंडियन हिस्ट्री के, फिर हमारे HD देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजर, अभी ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या जो एक टेन्योर पे तीन प्रधानमंत्री क्या यहाँ पे चल रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हुआ जहां पे आपके कहीं ना कहीं BJP का जो झंडा था वो लहरा गया और हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो क्या आ गए, वो आपके पावर में आ गए और वो क्या बन गए, देश के प्रधानमंत्री बन गए। अब ये जो सीन है दोस्तों मेरे को याद आ रहा है, आपने पोखरण मूवी देखी जॉन अब्राहम की, ठीक है, उस पोखरण मूवी में आपने देखा होगा कि जॉन अब्राहम क्या कर रहा था, एटॉमिक डिवाइस था वो क्या कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे आपके USA की सैटेलाइट से क्या बचकर, सही बात है।
अब यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो दौर है वो वही वाला जो सीन है परवा रहा था, ठीक है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सरकार गिरने वाली थी तो सारी चीजें रोक दी गई थी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी जीत गए तो सरकार ने क्या वापस उनको परमिशन दे दी, तो ये वो वाला सीन था, ठीक है। अब कहीं ना कहीं हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी थे बहुत ही बोले ना बहुत ही उम्दा किस्म के इंसान थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोशिश की कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक डायलॉग क्या एस्टैब्लिश करने के लिए, लेकिन इनकी जो इनिशिएटिव था वो क्या हो गया, पूरा पूरे मिट्टी में क्या मिल गया और जो डायलॉग था वो इस्टैब्लिश नहीं हो पाया। इस्टैब्लिश तो हुआ लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके पाकिस्तान ने उसमें क्या किया, अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं बात करूं तो इसी दौरान बहुत सारे एटॉमिक डिवाइसेस क्या किए गए, टेस्ट किए गए थे और खुद को भारत देश ने एक न्यूक्लियर पावर का डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो चीज हुई थी आपके राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में क्या किया गया था, अगर आपने पोखरण मूवी नहीं देखी है तो जाके चेकआउट कर ले, वहां पे आपको चीजें क्या पता चल जाएगी। दिस वाज ऑल अबाउट योर डिकेड 1980s और 1999 के बाद। यहाँ पे आगे हम तीन टॉपिक्स और है जो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे और हमारा जो चैप्टर वो पूरी तरीके से क्या खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करियो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लिए कर सके आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों